जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। पता नहीं कहाँ चली जाती है ये लड़की आजकल, सारा सारा दिन दिखाई नहीं देती। तुम क्यों नहीं सो सके? इसलिए कि जहाँ पे मीरब को रखा था, जहाँ से वो भागी है, उस जगह का पता या तो राणे को था या जिम्मल बीबी आपको। तुम्हें लगा कि मैं डर जाऊंगी, घबरा जाऊंगी, मैं डर के तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगूंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ जमल। माय गॉड, मीरब की यह ख्वाहिश थी कि हमारा निकाह सादगी से हो, और मैं मीरब की कोई भी ख्वाहिश रद्द नहीं कर सकता। है ना, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें पता है ये कौन लाया था? कौन लाया था अम्मा? तुम्हारे बाबा से। वाकई? हाँ, तुम्हारे बाबा साईं कहते थे जब हमारी मीरू का रिश्ता तय होगा ना, तब हम उसे उड़ाएंगे। अम्मा, ये काम, ये रंग सब हमारे सर्कस में तो नहीं मिलता था। बाबा साहब कहाँ से लेकर आए थे ये सब कुछ? वो गए थे एक दफा सारा को लेने के लिए शहर, तब खरीदा था उन्होंने। चली गई, चली गई मीरा। गार्ड्स, कहाँ है सब लोग? इसको अंदर किसने आने दिया? मेरे घर में दाखिल कैसे हुई? ये क्या समझती है, हरा देगी मुझको? हाँ, सिमल की बेइज्जती करके चली गई। और सिमल कुछ नहीं कर सकी। ऐसा नहीं होगा। हेलो, अभी इसी वक्त आओ इधर, अभी।
ये घर मेरा है, यहां सिर्फ मेरी हुकूमत होगी। मेरी बेइज्जती नहीं कर सकता कोई, कोई मेरा घर, मेरी हुकूमत, सिमल की हुकूमत नहीं छीन सकता उससे, नहीं नहीं छीन सकता, नहीं। कहाँ चली गई थी तुम? ये क्या है? ये किस किस्म का सामान है? कहाँ से लाई हो बेटा? जिस घर में रहना ही नहीं है खाला, तो उस घर में अपना सामान छोड़कर क्या करती? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम वहां गई थी रामी के घर? जी वहीं गई थी। क्या जरूरत थी कपड़े लाने की? हाँ तुम्हें क्या जरूरत थी इनकी? पढ़ाना नहीं देती उन्हें वहां पे? खुदा ना खास्ता वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देते तो? खाला ये सिर्फ कपड़े नहीं है, इनमें वो जोड़ा भी है जो बाबा साई ने मुझे दिया था, जिसे अम्मी ने मुझे उड़ाकर देखा था कि मैं कैसी लग रही। इनके साथ मेरी बहुत सी तल्ख और खूबसूरत, बहुत प्यारी सी यादें जुड़ी हैं। मैं इनको वहां कैसे छोड़ सकती थी? वो तो सब ठीक है बेटा, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि तुम फिर वहां जाओ, तुम्हें तुम्हें वो किसी किस्म का भी नुकसान पहुंचा सकते। प्लीज बेटा। मैं भी नहीं चाहती कि मेरा उस गली से कभी गुजर भी हो, इसलिए मैं अपनी यादों को समेटने गई थी। कुछ नहीं छोड़ा मैंने अपना, कुछ भी नहीं। और है क्या ये हाथी? ऐसा ना हो कि हादी के आने से पहले वो मीरब दोबारा आ जाए। नहीं 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 आएगी वो। हादी क्या हुआ जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? वो हादी यहां ना मीरब आई थी। मीरब? वो क्यों? क्यों आई थी? क्यों आई थी क्या मतलब? वो मुझे मारने आई थी। मैं पता है उसने मुझे बोला कि वो मुझे मार देगी, जान से मार देगी वो मुझे। उसे अंदर किसने आने दिया? मुझे नहीं पता, गार्ड्स ने आने दिया। वो कैसे आई मैं नहीं जानती। बस तुम कुछ करो। हादी मुझे पता है वो आराम से नहीं बैठेगी, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। तुम इतनी टेंशन ना लो, वो चली गई है ना। मुझे मार देगी वो। तुम तो
तुम जाओ, तुम पुलिस स्टेशन जाओ, उसके खिलाफ ना रिपोर्ट लिखवाओ अभी इसी वक्त। पुलिस के पास जाना ठीक नहीं है, वो चली गई है ना, देख लेता हूँ मैं उसे, करता हूँ मैं उसका कुछ। तुम करोगे कुछ? तुम क्या कर सकते हो वैसे? आज तक तो तुमसे कुछ हो नहीं सका, न जेठ जी के सामने, न ही उस घटिया औरत के सामने। अब अगर वो घटिया औरत आके मुझे जान से मार भी देगी ना, तब भी तुम कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने गार्ड से कहा था कि वो अंदर ना आए, कैसे आ गई वो अंदर? अब मुझे इन गार्ड्स पे यकीन नहीं रहा, पता नहीं वो मेरे साथ है या उसके साथ। बस इन सारे गार्ड्स को निकाल दो, मुझे कोई नहीं चाहिए इधर। बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाएंगे। चलो अभी चलो, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है मुझे, चलो। पुलिस के पास जाना ठीक नहीं है। क्यों, क्यों ठीक नहीं है? अगर बात पुलिस तक गई तो वो उसको भी पकड़ेगी जिसने उसे किडनैप करवाया था। बात बहुत दूर तक चली जाएगी। तुम समझ रही हो ना तुम्हें क्या कह रहा हूं? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे पता चल चुका है कि तुमने किडनैप करवाया था मीरब को, इसलिए तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। बात पुलिस तक गई तो उनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे तुम तक पहुंचने में। बेहतर यही है कि इस बात को यहीं खत्म कर दो। मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेता हूं मीरब को समझाने का। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या मतलब है इसका? क्या बकवास की है? सारी जिंदगी तो कुछ कर नहीं सके तुम, ना अपने भाई के सामने और ना उस घटिया औरत के सामने, और अब मुझे बोल रहे हो नहीं चाहिए मुझे किसी की मदद, खुद कर लूंगी मुझे जो करना है वो। मुझे कोई मार नहीं सकता, मैंने क्या किया है? मुझे कोई नहीं मार सकता। क्या बात है चाची, कुछ कहना चाहती है? वो कहना तो पुत्र बहुत कुछ था, पर डरती हूँ कि तुम इससे नाराज ना हो जाए। कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बड़ी है, माँ की तरह समझता हूँ तुझे मैं, तेरी भला किसी बात से क्यों नाराज हूँ मैं? जो भी कहना चाहती है बोल दे। ओ सनी पुत्र, तूने मुझे किसी बात का जवाब देना था। किस बात का जवाब? देख ले तो भूल भी क्या? बताना चाची, किस बात का जवाब? पुत्र, मैंने आशी के बारे में तेरे से बात की थी ना, तो तूने कहा था कि मैं सोच समझ के जवाब दूंगा, तो अभी तक तूने सोचा नहीं। ठीक कह रही चाची तुम, मैं सच में भूल चुका था। तुझे तो पता है कितने सारे मसलों में उलझा हूँ आजकल मैं, अपने बारे में सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता। देख पुत्र, तू मर्द है, तू इंतजार कर सकता है, तेरी तरफ से देर सवेर हो सकती है, पर पुत्र वो लड़की है, वो इंतजार नहीं कर सकती। कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते बहुत देर हो जाए। देख पुत्र, उस बदनसीब लड़की की जिंदगी अब तेरे हाथ में है, जो कुछ भी करना है ना तू नहीं करना है। ना चाची, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ना डाल मुझ पे, मैंने अपनी सारी जिंदगी अवारगी में गुजारी है, कहीं टिक के नहीं बैठा, मुझे ये रिश्ते ये जिम्मेदारी निभानी नहीं आती, मैंने तो आज तक इस बारे में सोचा भी नहीं। मेरा ना कोई घर है ना कोई ठिकाना, मैं एक लड़की को लिए लिए कहाँ फिरता रहूँगा? बेशक चाची तो उसके लिए भलाई सोच रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि यही भलाई बुराई बन जाए। देख पुत्र,
मैं तुझे बहुत पहले से तो नहीं जानती, पर जितना जानती हूँ ना, अच्छा जानती हूँ। मुझे पता है कि तू उसे खुश रखेगा, तो उससे शादी कर ले पुत्र, तुझे बहुत दुआएं देगी और अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाएगा। मेरी बात मान ले मेरा पुत्र। देख पुत्र, जिसके आगे पीछे कोई नहीं ना होता, उसका हाथ हर कोई पकड़ना चाहता है, पर साथ कोई नहीं निभाता। कोई हमदर्दी भी करता है ना, तो किसी लालच के तहत। देख पुत्र, मैं तेरे से बड़ी हूं, तेरी माँ के बराबर हूं, तेरे सामने हाथ जोड़ती हूं, तू उससे शादी कर, अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखेगा और इसका अजर भी अल्लाह ताला ही तुझे देगा। वो बेचारी बदनसीब है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है पुत्र, तू मेरी बात मान ले। ये क्या कर रही है चाची तू? देख मुझे गुनाहगार ना कर। इस काम के लिए पुत्र मुझे तेरे पैर भी पकड़ने पड़े ना, तो पकड़ लू। अगर मेरी मिन्नत से उस बेसहारा लड़की को सहारा मिल जाए, तो मैं समझूंगी कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। अच्छा चाची, मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दे। नहीं पुत्र, तूने जो भी सोचना है ना, अभी अभी सोच के मुझे बता दे, तू फिर भूल जाएगा। नहीं भूलूंगा चाची, बस थोड़ा सा टाइम दे मुझे, तुझसे वादा है, बस आजकल मैं जवाब दूंगा तुझे। ठीक है पुत्र, जैसे तेरी मर्जी। पुत्र अच्छा सोचना, अल्लाह तुझे अपने ईमान में रखे। यार कहाँ गुम हो तुम इतने दिनों से? सिमल से नाराज किया तो उसकी सजा मुझे क्यों? देखो तुम मुझे उसके साथ बैकेट मत करो, तुम्हारे बगैर वक्त नहीं गुजरता यार। अच्छा ऐसे करो, जल्दी से निकलो, कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। वादा यार, बोर नहीं होने दूंगा। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। ओके ओके, बाय। किसकी कॉल थी? जिमल की कॉल। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पॉसिबल होगा ये सब कुछ? मुझ पे भरोसा है ना तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, कोई दुख तुम्हारे नजदीक नहीं आने दूंगा। हादी, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जिमल वो कैसे मानेगी ये सब कुछ? अगर तुम कहोगी तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो जैसी भी है, मैं उन्हें इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती। तुम अब भी उसके बारे में सोच रही हो? मेरा कोई ख्याल नहीं है तुम्हें। अगर आपका ख्याल ना होता तो आज मैं यहाँ आपके साथ ना बैठी होती। यकीन करें, मैं आपकी बहुत परवाह करती हूँ। इनफैक्ट बोलो ना, चुप क्यों हो गई है तुम? मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकालना चाहती कि जो मैं निभा ना सकूं। हादी, मामा कैसे मानेंगे? एक शादीशुदा शख्स के साथ उसकी दूसरी बीवी बनकर रहने की कभी परमिशन नहीं देंगी मुझे। तो मुझे उनसे मिलवाओ, मुझे यकीन है कि मैं उनको कायल कर लूंगा। नहीं नहीं, आप उन्हें नहीं जानते,
वो कभी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। तो तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, जिमल जायदाद सब कुछ छोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, ये मशवरा मैं आपको कभी नहीं दूंगी। तो फिर तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, अपनी जान देता हूँ तुम्हारे लिए। ओ प्लीज हादी, मेरे सामने ये बातें मत करें। जब तुम मेरी हालत को ही नहीं समझोगी तो मैं क्या करूँ? सब समझती हूँ हादी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन आप भी तो मेरी मजबूरी को समझें। एक तरफ मामा है और एक तरफ जिमल। अगर जिमल तहामी की बीवी के साथ इतना कुछ कर सकती है तो सोचे वो मेरे साथ क्या कुछ करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि छोड़ देता हूँ उसे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। फिर तुम मुझे बताओ कि क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हें उससे अलग रखूंगा, तुम्हारा इस तरह उससे कोई वास्ता ही नहीं होगा। सारी जिंदगी ऐसे छुप कर कैसे रहूंगी मैं उससे? ये इस मसले का हल नहीं। फिर तुम ही बता दो कि इसका क्या हल है। मुझे तुमसे हर सूरत में शादी करनी है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हादी प्लीज, मुझे जरा सा टाइम दे सोचने के लिए। नहीं, तुम्हें अभी फैसला करना है इस चीज का। हादी प्लीज, मान जाओ ना। अच्छा ठीक है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। देख चाची, मैंने शादी के बारे में तो कभी सोचा तक नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा भी सकता हूँ कि नहीं। जहाँ कहीं भी सर उसने ढूंढ के ले आ। आज शाम को मौलवी आएगा और हमारा निकाह पढ़ा देगा। मगर मैं सरदार नूर खान MNA नहीं हूँ, बादशाह हूँ। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.